बानू मलिक फिर एक बार पड़ गए हैं मुसीबत में। क्या ये हो सकता है उनके करियर का लास्ट रियलिटी शो? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अनु मलिक ने कर लिया है स्टेप बैक सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 के मंच से। अब वो नहीं दिखेंगे शो को जज करते हुए नेहा और विशाल के साथ। सोर्सेज की माने तो ये तब हुआ जब अनु मलिक के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठाई गई मीटू मूवमेंट को लेकर, और उसी को देखते हुए अनु मलिक खुद शो से बाहर हो गए। अब देखना ये है कि कौन लेगा उनकी जगह शो में और कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को अनु मलिक। और अब बात टीवी स्टार श्वेता तिवारी के नए आशियाने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता तिवारी के नए सीरियल की, जिसके सेट को खुद रिवील किया श्वेता ने अपने को स्टार वरुण वडोला और अंजलि के साथ मिलकर, और साथ ही साथ लिया लुफ्त मेहमान नवाजी का मेहमान बनकर। वेलकम टू मेरे डैड की दुल्हन। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे निया के डैड के घर पे आना है किराएदार बन के, तो आज मैं आई हूँ क्योंकि मुझे घर देखना है कैसा है। पहले मैं पसंद करूँगी, डैड तो मैं बाद में पसंद करूँगी, पहले घर पसंद करूँगी। घर अच्छा लगा तो डैड के बारे में सोचूंगी, तो चलें। अरे गुली जी, आइए। कहाँ आ गई आप, किसका घर है, कौन है साथ में? ये इनको तो जानती हूँ, इनको देख के मैं डर गई। ये तो ऐसे थे नहीं, दरवाजा खुलते ही पता नहीं क्या हुआ, कौन सा शरर खुला ही थे, पार्ट टू। वो मुझे रियलाइज हो गया है। तो चलिए देखते हैं इनका घर, फादर को तो देख लिया, लेट्स गो। ये हमारा हॉल रूम है, ये है अंबर और निया का घर, और ये एक कॉर्नर है जहाँ पे हम लोग यूजुअली बैठ के टीवी देखते हैं और लड़ते हैं, रमी खेलते हैं। ओ दैट्स हमारा फेवरेट कॉर्नर। यहाँ पे हम लोग गाते हैं किशोर कुमार के गाने, किशोर कुमार के गाने, किशोर कुमार मोहम्मद रफी के गाने, मोहम्मद रफी, मन्ना डे एंड ऑल दोस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मेरे डैड बहुत अच्छा गाते हैं, मैं जितनी बेसुरी हूँ उतने अच्छे मेरे डैड गाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा निकला अच्छा। और बीच में आंगन है, पेड़ है, फूल है, लाइब्रेरी है। वो ना एक्चुअली वो जो है वो मुंगड़ा मुंगड़ा स्पॉट था हमारा, 8 साल से यूज नहीं हुआ तो पेड़ हो गया है उसमें। बॉटल्स हैं, मुंगड़ा का कॉस्ट्यूम भी रखा हुआ है कहीं पर, वो यूज नहीं हुआ तो पेड़ हो गया उसमें, मतलब थोड़ा बाकी वो वहीं पे। इतना ही नहीं, श्वेता ने दिखाया अपने कुकिंग का दम भी और बनाया स्वादिष्ट हलवा भी। आप भी देखिए श्वेता तिवारी का हलवा और उसकी रेसिपी। Watch ETown News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.